हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लुकअप विजार्ड को लेकर के है, तो चलिए यहां से होम टैब पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबसे पहले ओपन करिएगा और यहां से क्रिएट पे चलेंगे और यहां से टेबल डिजाइन कर सकते हैं या टेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहां पर व्यू पे क्लिक कर देना है तो यहां एक नेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं दे देता हूं प्रोडक्ट टी यानी टेबल, तो ये प्रोडक्ट टी कर दिया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया तो ये प्रोडक्ट की टेबल होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी आएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं और फिर यहाँ पे करता हूँ प्राइस, तो यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी तो प्राइस को रख देता हूँ। करेंसी डेटा टाइप, यहां से जाकर के इसे करेंसी डेटा टाइप रखूंगा, ये हो गया करेंसी डेटा टाइप और यहां पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम दे देता हूँ, लाइक कीबोर्ड दे देता हूँ, फिर यहाँ पे माउस दे देता हूँ, यहाँ पे मॉनिटर दे देता हूँ, एलईडी या मॉनिटर डायरेक्ट लिखते हैं मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ एलईडी, यहाँ पे कर देता हूँ एलसीडी, यहां पे कर देता हूं बारकोड रीडर। ठीक है, तो ये सब हमने कर दिया। अब इसकी प्राइस देने की बारी है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड मिलेगा 200 रुपए का। ठीक है, फिर यहां पर आएंगे, ये है माउस तो माउस कर देते हैं 120 रुपए का। ठीक है, और फिर यहां पर आते हैं मॉनिटर, तो मॉनिटर कर देते हैं 3000 का। ठीक है, एलईडी कर देते हैं 12000 रुपए का। ठीक है, इसी तरह से एलसीडी की बात करेंगे तो ये कर देंगे 9000 रुपए का। बारकोड रीडर है तो बारकोड रीडर यहां पे दिया हुआ है तो इसको कर देता हूं मैं लाइक 1500 रुपए का। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक दूसरी टेबल बनाएंगे तो यहां टेबल पर जाकर के और सेल्स के लिए एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं। तो यहां लिखता हूं सेल्स, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पे सेल्स आईडी आएगी जो भी कुछ हो, तो यहां पे कर देता हूं सेल्स आईडी, तो ये सेल्स आईडी हो जाएगी। और फिर यहां पे नेम ऑफ सेल्समैन कर देते हैं सेल्समैन, तो ये नेम ऑफ सेल्समैन लिखा है मैंने यहाँ पे, ये एक्स हटा लेंगे और ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लुकअप विजार्ड के थ्रू हम आइटम नेम लेके आएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं आप, लेकिन अभी चलिए देखते हैं लुकअप विजार्ड का क्या यूज होता है, इसको तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने तो यहाँ पे अब सेल्समैन के नेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेल्समैन का नेम जो भी है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे करता चला जाता हूँ राम, लाइक यहाँ पे श्याम कर देता हूं, अमित, राजेश, इस तरह से कुछ नाम हम दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम हमने दे दिए हैं और यहाँ पे राजेश कर देता हूं, ये हो गया, तो ये राजेश भी नाम दे दिया हमने। अब इसको सेव करना है और क्लोज करना है, यहां से ये क्लोज कर दिया और फिर इसको भी सेव करके और क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहां से क्लोज करेंगे। अब देखिए ये जो सेल्स है इसको हम डिजाइन व्यू पे लेते हैं, तो ये डिजाइन व्यू पे आ गया। और अब यहां पर हमको क्या चाहिए, यहां पर हमको चाहिए लुकअप विजार्ड से हम उठाएंगे किस चीज को, जो प्रोडक्ट नेम है वो हम लुकअप विजार्ड से उठाएंगे। तो यहां पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट नेम है, इसको हम लुकअप विजार्ड से उठाना चाहते हैं, तो यहां पे इस टेबल के अंदर आएंगे और यहां पे प्रोडक्ट नेम कर देंगे, ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट नेम है इसको हम लुकअप विजार्ड से उठाएंगे, तो यहां पर आकर के क्लिक करेंगे और लुकअप विजार्ड पे जाएंगे। तो जैसे जाएंगे तो आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, तो यहां पर जाकर के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें कौन से टेबल से चाहिए, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट टेबल से, तो प्रोडक्ट टेबल को सेलेक्ट करके और फिर हमें क्या चाहिए, केवल प्रोडक्ट का नेम चाहिए। अगर आपको प्राइस भी चाहिए तो आप प्राइस भी ले सकते हैं यहां पर आकर के और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करके और यहां पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे दिया हुआ है हाइट की कॉलम्स रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हाइट कर देते हैं तो एक ही आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये देखिए ये फिनिश पे कर दिया क्लिक और ये हो गया इस तरीके से। तो अभी आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम भी दिखाई पड़ेगा, ये सेल्समैन का कॉलम है, आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, और यहाँ पर इसकी प्राइस और ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस भी दिखाई पड़ेगी, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे कीबोर्ड चूज कर लिया, यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पे माउस और उसकी प्राइस दोनों चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है,
इसलिए ये इस तरीके से है। और अगर आपको प्रोडक्ट का नेम दिखाई पड़ता तो इस तरीके से आप लुकअप विजार्ड का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट वाला टेबल था, ठीक है, और यहाँ पे ये सेल्स वाला टेबल है। तो ये प्रोडक्ट नेम मैंने टाइप नहीं किया, ये मैं लेके आया हूँ प्रोडक्ट टेबल से, ठीक है, सेल्स वाले टेबल में प्रोडक्ट टेबल से लेके आया हूँ। ये लुकअप विजार्ड का काम होता है, ठीक है। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।